अब हमने इतनी थ्योरी पढ़ ली है कि अब हम लगा सकते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो आइए एक्सरसाइज 3.1 को पूरा डिस्कस करें। इस वीडियो को देखने के पहले आप चाहें तो एक्सरसाइज 3.1 खुद से अटेम्प्ट कर लें, और उसमें अगर किसी क्वेश्चन में अटके तो इस वीडियो को देखें, नहीं बैठ के तो भी देखें थोड़ा और बेटरमेंट के लिए। एक्सरसाइज 3.1 छोटी सी एक्सरसाइज है, मात्र 3 सवाल हैं। आइए एक एक करके हर सवाल को डिटेल में डिस्कस करें, ढंग से डिस्कस करें और लर्निंग करें। ओके, पहला सवाल कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ओके, दो वेरिएबल अपन आफ्ताब की एज आज के दिन लेट आफ्ताब एज टुडे एक्स, आज के दिन में आफ्ताब की एज को एक्स मान लेते हैं, एंड लेट डॉटर्स एज टुडे वाई मान लेते हैं। आज के दिन आफ्ताब की एज को एक्स मान लेते हैं, दो वेरिएबल, और उसके डॉटर की एज को वाई मान लेते हैं। अब देखें आफ्ताब क्या बात कह रहा है। आफ्ताब कहता है 7 years ago, सोचो अगर आज उसकी एज एक्स है तो 7 साल पहले कितनी एज रही होगी, एक्स माइनस 7। 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। 7 साल पहले आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज के 7 गुना थी, यानी 7 times y-7। क्योंकि अगर आज के दिन आफ्ताब की एज एक्स है और डॉटर की एज वाई है, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज x-7 और डॉटर की एज y-7। और आज से 7 साल पहले आफ्ताब बता रहा है डॉटर को कि जो उसकी एज है वो 7 times उसकी डॉटर की एज। ऑल्सो आगे क्या बताता है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। अब सोचो आज उसकी एक्स है तो आज से 3 साल बाद कितनी होगी, x+3। तो आज से 3 साल बाद 3 years फ्रॉम नाउ उसकी एज कितनी जाएगी, x+3। आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 3 गुना होगी। अब आज की डेट में दोनों की एज एक्स और वाई है, तो 3 साल बाद कितनी एज होगी, x+3 y+3। तो आफ्ताब की एज विल बी 3 times y+3। बोलता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को आप एलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करो और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। ये लीजिए, पढ़ते पढ़ते हमने इसको एलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। देखो मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है इंग्लिश में लिखे गए वर्ड्स को, इंग्लिश में लिखे गए सेंटेंसेस को प्रॉपर इंटरप्रेट करना, सबसे ज्यादा जरूरी यही है, इंग्लिश में लिखे गए सेंटेंसेस को प्रॉपर इंटरप्रेट करके मैथ्स में कन्वर्ट करना। बहुत सारे बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, मतलब उनको अगर इक्वेशन बना के दे दो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो इंग्लिश को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। लेकिन कमाल की बात है सारे सवाल तो इंग्लिश में लिखे ही आएंगे। अगर मान लो आप फ्यूचर में IIT या कुछ करना चाहते हैं तो इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ें अपन और उसको इंटरप्रेट करें। 7 years ago आज से 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मैं उसकी एज का 7 times था। और आज से 3 साल बाद 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो पहले दोनों की एज x-7 y-7, 3 साल बाद दोनों की एज x+3 y+3। ये हमने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। आइए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करना बनता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x-7 = 7y एंड 7 7 = 49। तो इक्वेशन बन गई, सबको चाहो तो एक साइड ले आओ, x-7y - 7 + 49 = 0। तो x-7y यहां 7 गए + 42 = 0। ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को भी आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x+3 = 3y + 9। सबको एक साइड ले आइए, सो x+3 - 3y - 9 = 0। तो x-3y - 6 = 0। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से हमको 2 लीनियर इक्वेशन मिल गई।
कितनी लीनियर इक्वेशन मिल गई हमको, दो दो लीनियर इक्वेशन मिल गई। तो ये हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए करना कुछ नहीं है, इनका ग्राफ बनाना है। हमारे पास बहुत सारे रंग हैं, धीरे धीरे करके ग्राफ बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, एक्स और ये वाई। चलिए पहले इसका बनाते हैं, कलर चुन लेते हैं। आइए सबसे पहले इस लाइन को बनाते हैं, इस लाइन को हम येलो कलर से बनाएंगे। इसके अंदर अब ग्राफ क्या है, लाइन बनेगी, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो लाइन बनेगी। लाइन बनाने का तरीका देखें, अगर एक्स को हम जीरो रख दें तो हमको इक्वेशन मिलेगी -3y - 6=0, -3y = 6, y = -2। यानी एक पॉइंट तो आ गया 0, -2। वाई को जीरो रख दें तो वाई को अगर जीरो रख दें तो x - 6=0, x = 6। तो दूसरा पॉइंट आ गया 6, 0। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो यानी ये वाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर। तो आइए मार्किंग कर लें और इस लाइन को ड्रॉ करें। तो यहां पर आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे पीछे की ओर -1, -2, -3, -4, -5, -6। अच्छा y कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां पर -1, -2, -3, -4, -5, -6। चलिए अब इस लाइन को हम लोग येलो कलर से प्लॉट करेंगे। आइए पहले पॉइंट्स को मार्क करें, 0, -2 तो ये पॉइंट हो गया 0, -2, 6, 0 तो ये पॉइंट हो गया 6, 0। आइए ड्रॉ कर दें, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो है नहीं लेकिन लाइन में तो बना ही लेता हूं मैं, ठीक है ये आ गया। अच्छा आप इक्वेशन को देखकर ही बता सकते हैं कि इनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे कि नो सॉल्यूशन होंगे। वो तरीका अपन ने क्लास इलस्ट्रेशन में, क्लास नोट्स में बताया हुआ है, नहीं पता है तो देखो उसको। अच्छा आइए इस लाइन को बनाएं, इस लाइन के लिए भी एक कलर चुन लेते हैं, ये लीजिए नया कलर। इस लाइन के अंदर देखें अगर एक्स को जीरो रख दें तो आपके पास निकल के आएगा -7y + 42=0। बहुत सही। आइए तो यहां पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7y = 6। अरे बहुत सही, तो y की वैल्यू 6 निकल के आ रही है तो 0, 6। आइए x को जीरो रखा, उसके बाद इसी में एक बार y को जीरो रख दें, अगर y को जीरो रख दें तो x + 42=0। बहुत बड़ी संख्या, x की वैल्यू -42 आ गई तो एक आ गया -42, 0। आइए दोनों पॉइंट को मार्क करें, एक आ गया 0, 6 तो 0, 6 यहां पर है कहीं, दूसरा आ गया -42, 0 बहुत दूर कहीं क्योंकि -42 तो बहुत पीछे होगा, ऐसे मतलब जनरलाइज अपन बना रहे हैं तो यहां कहीं पर होगा -42 ऐसे। आइए लाइन को खींच दें, ऐसा लग रहा लाइन पैरेलल है लेकिन लाइन पैरेलल नहीं है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे आगे जाके कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी या इस प्रकार से पीछे जाके कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी। जब वो कैसे निकालेंगे तो आप ये अपन देखेंगे। तो ये हमने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। कॉपी कर लीजिए। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखें, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखें पढ़ें। हाँ इसमें सेकेंड अपन लिख देते हैं, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 bats and 6 balls। तो अपन यहां पर लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 bat एक्स, और यहीं पर लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 ball वाई। वैसे दो वेरिएबल है, ओके तो 3 bat खरीदता है, 1 bat की कॉस्ट एक्स है तो 3 bat की कॉस्ट 3x, 6 ball खरीदता है, 1 ball की कॉस्ट वाई है तो 6 ball की कॉस्ट 6y, कुल मिला के इतना रुपया लगा जो किसके बराबर है 3,900 रुपए के, महंगे बैट बॉल है वैसे। द कोच ऑफ बायस 3 bats and 6 balls फॉर ₹3,900। लेटर शी बायस
अनदर बाइट एंड टू मोर बॉल्स, एक और बाइट और दो और बॉल्स फॉर रुपीज 1300। भाई एक और बैट खरीदा एक्स रुपया और खर्चा किया, दो बॉल खरीदी तो 2y रुपया और खर्चा किया, तो कुल मिला के ये निकल के आ गया 4 रुपीज 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो ये लीजिए, एलजेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दी सिचुएशन को, आइए इस सिचुएशन को अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें। ज्योमेट्रिकली का मतलब दोनों तीनों की इक्वेशन बनाए। अब यहां पर इक्वेशन आप बहुत आराम से बना लेंगे, कोई विशेष बात नहीं है। आइए धीरे धीरे इक्वेशन बनाए, ग्राफ बनाए इन दोनों का, लाइन ये रहा। चलिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। चलिए पहले इससे शुरू करते हैं, दो अलग अलग कलर्स चुन लेते हैं, इससे शुरू करते हैं। इसमें अगर हम एक्स को 0 रख दें तो 6y = 3900 आ जाएगा। आइए इसको 6 से डिवाइड कर दें, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 6 36, है ना, 36 36 5 30, ये लीजिए बन गया 650 आ गया y की वैल्यू। तो एक पॉइंट तो आ गया 0, 650। उसके बाद हम इसी में y को 0 रख देंगे, जब y को 0 रखेंगे तो 3x = 3900, 3 से डिवाइड कर दें तो x = 1300। तो यहां से एक पॉइंट आ गया 13, गड़बड़ 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 कॉमा लगा दिया, 1300, 0। अब जो कितने बड़े बड़े नंबर है तो 1, 2, 3 ऐसे मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, 0, 650। वाई एक्सिस को ये कट करेगा 650 पर, 0, 650, और एक्स एक्सिस को 1300, 0, बहुत दूर कहीं पर, जस्ट मार्क करने के लिए 13, ये कॉमा बार बार लग जाता ऑटोमेटिकली, 1300, 0। इन दोनों को जोड़ देंगे, लाइन बन गई। आइए दूसरे रंग से दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करें। इसके अंदर बिल्कुल एलजेब्रा पर ध्यान दें, एलजेब्रा ही इंपॉर्टेंट है, कलम घिसेंगे तो फायदा हो जाएगा। इसके अंदर पुट कर दीजिए एक्स को 0, एक्स को 0 पुट कर देंगे तो 2y = 1300 आ गया, तो y की वैल्यू 650 आ गई उत्तरी। ये तो सेम पॉइंट आ गया 0, 650 जो यहां आया था। अच्छा चलो और देखें, और देखें जरा सा, पुट y को 0, अगर y को 0 रखना। अच्छा वैसे मैं जबरदस्ती ऐसे ही चौंक रहा हूं, मैं तो देखकर पहले ही बता चुका हूं, मतलब पहले ही सोच चुका हूं कि लाइंस कोइंसिडेंट होंगी कि नहीं होंगी कि क्या होंगी। याद करो पूरा अपन एलजेब्रा ऑलरेडी डिस्कवर की हुई है, इसकी एलजेब्रा मैंने समझाई हुई है, बिना ग्राफ बनाए हम पहले ही बता सकते हैं कि लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, कि लाइंस पैरेलल होंगी, कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। चलिए फिर भी वाई को 0 रख दें, वाई को 0 रख दें तो क्लियरली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1300 उत्तरी। ये तो सेम ही पॉइंट आ गया, यानी ये दूसरी लाइन एक ही कोइंसिडेंट है, यानी ये दूसरी लाइन भी इन्हीं दोनों पॉइंट से पास होगी, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ये लीजिए, तो इस बार हमारे पास दो इक्वेशन बनी। एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइन देंगी। कैसे क्यों देंगी ये कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्या रो जान दीजिए, तो अपन ने सिचुएशन को एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट किया और उसी सिचुएशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया। कॉपी करिए, एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, छोटी सी एक्सरसाइज है, जो अपन ने पढ़ा है उसी को यूज करने के लिए, उसी को अपन प्रैक्टिस करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। वापिस, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स वॉज फाउंड टू बी 160। तो एप्पल और ग्रेप्स दो चीजों की कॉस्ट की बात चल रही है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y रुपीस। तो 2 kg एप्पल खरीदे तो कितना रुपया लगा, 2x। 1 kg ग्रेप खरीदे और कितना रुपया लग गया, वाई। तो कुल मिला के 160 रुपया लग रहा है। सस्ते हैं यार एप्पल और ग्रेप्स तो। अच्छा, आफ्टर अ मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल खरीदा तो 4x रुपया लग गया,
दो किलो ग्रेप्स खरीदा तो 2i रुपया लग गया, इज 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करें, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें। तो ये लीजिए, एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, आइए ग्राफ बना के इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें। चलो देखते हैं, ग्राफ बना के ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ग्राफ बनाने के पहले ही अगर आप चेक करें ना, तो अगर आप इसको ध्यान से चेक करें तो यहां पर आपको पैरेलल लाइंस, कैसे, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन। खैर चलिए, अब अपन तो ग्राफ बनाते हैं, आराम से ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के पहले ही आप चेक कर सकते हैं कि वो लाइंस कैसी आएंगी। दो लाइंस में तीन ही बातें होंगी, कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग। अच्छा चलो अब बात करते हैं, यहां पर अगर अपन बात करें तो आइए वापस रंग चुन लेते हैं, रंग से आसानी रहती है। इस लाइन में, लाइन बनाने का मेथड अपना सेट है, इसमें एक्स को जीरो रख दें तो वाई की वैल्यू 160 आ गई, तो 0,160। उसके बाद इसमें वाई को जीरो रख दें, वाई को जीरो रख दें तो 2x = 160, x = 80, तो 80,0। तो ये वाई एक्सिस को कट करेगा, 0,160 यहां पर कहीं है, 0,160, और एक्स एक्सिस को कट करेगा 80,0, तो यहां इसके अराउंड आधे पर 80,0 पर। ये लीजिए, ये पीली वाली लाइन हमने बना दी। आइए दूसरी लाइन बनाएं, दूसरी लाइन की अगर अपन बात करें, फिर से मेथड अपना सेट है, एक्स को जीरो रख दें तो 2y = 300, y = 150, तो 0,150। उसके बाद वाई को जीरो रख दें, वाई को जीरो रख दें तो 4x = 300, तो x = 300/4, तो अपन 4 से इसको डिवाइड कर दें, 150/75। ये लीजिए, तो यहां पर ये पॉइंट आ गया 75,0, तो यहां पर आ गया 0,150 जस्ट इसके नीचे, यहां पर होगा, इस पॉइंट को ऐसे बता दें 0,150, और 75,0 जस्ट इसके यहां पर इस प्रकार से होगा 75,0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बिल्कुल इसी के समानांतर, अरे बहुत सही, अच्छी लाइन बन गई, बिल्कुल इसी के पैरेलल लाइन बनेगी। लाइंस पैरेलल होगी ये हम ग्राफ बनाने के पहले ही पता कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं है तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन थ्योरी के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि सिर्फ लाइन की इक्वेशन को देख कर ही हम बता सकते हैं, दोनों लाइंस को सिर्फ देख कर ही हम बता सकते हैं कि जो इनका ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस का बनेगा कि कोइंसिडेंट लाइंस का बनेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनेगा। ये हो गई पूरी एक्सरसाइज 3.1, छोटी सी एक्सरसाइज लेकिन बहुत काम की है, जो कुछ आपने सीखा उसी के एप्लीकेशन पर बेस्ड। कॉपी कर लीजिए।